एक में तीन और तीन में एक, ये ईसाई कहते हैं। ये वो तस्लीस को भी मानते हैं, तौहीद को भी मानते हैं कि ये खुदा और उसका बेटा ईसा और रूहुल कुद्स, ये तीन भी खुदा हैं और तीनों मिलकर एक बनते हैं, एक में तीन और तीन में एक। तो ये बात यहां मैं कह रहा हूं कि ये एक वादा भी है, तीन भी है, एक ही के अंदर सारी बात है। दीन, अगर दीन को तमक्कुन हो गया तो गोया के खिलाफत मिल गई, और दीन में तमक्कुन हो गया तो मुसलमानों को तमक्कुन हासिल हो गया, अब उनके लिए जो है कोई खतरा नहीं, कोई अंदेशा नहीं। इसके बाद का टुकड़ा जो है बड़ा अहम है, लेकिन मैंने महसूस किया कि बाद दरात उसको समझे नहीं भी कुछ। या बुदून नहीं ला युशिकून अभी शया, ये असल में इन तीन चीजों के नतीजा जो होगा वो उसको बयान किया जा रहा है। तब वो मेरी इबादत करेंगे पूरे तौर पर, और तब वो पाक हो सकेंगे शिर्क से पूरे तौर पर। अगर खिलाफत का निजाम कायम नहीं है तो आपकी इबादत नाकिस है, आप कैसे बंदगी कर रहे हैं? आप नमाज रोजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपका कानून क्या है जिसके तहत आप जिंदगी गुजार रहे हैं? वो तो काफिराना है, वहां तो इस्लामी कानून नहीं है। आपका माशी निजाम क्या है? तो काफिराना है, सूद पर बंदी है, बैंकिंग की बुनियाद पर है। लिहाजा जब तक दीन कायम नहीं होता, इबादत नाकिस है, इबादत जुज़वी है। इसी की मैं बारहा बयान करता हूं, इसका कफारा कैसे दें? हम यहां जिंदगी गुजार रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कहां जाए? कहीं नहीं जा सकते। कहीं दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो तो हमारा वहां जाकर हिजरत करके वहां जाना फर्ज हो जाएगा, कहीं भी नहीं, नहीं, नहीं। इस हवाले से मजबूर है, तो मजबूर हो तब भी जो गुनाह तुम्हारे अंदर जा रहा है, सूद का गुनाह तुम्हारे अंदर जा रहा है, जैसे धुआं जाता है अंदर, जैसे उबाल जाता है अंदर, इसका कफारा क्या है? कफारा यह है कि इस निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद करो और निजाम इस्लाम को कायम करने की कोशिश करो। अगर यह कर रहे हो तो इस गुनाह का कफारा हो जाए, इस गुनाह की तलाफी हो जाए, और अगर इस निजाम को तस्लीम किया हुआ दिल से तो फिर तो तुम अल्लाह के बागी हो, बागियों समेत हो। अगर बुश कह सकता है एक आम सा आदमी, कौन क्या है उसकी हैसियत? वो सदर अमरीका था तो कुछ था भी, हालांकि उनके हाथ में क्या है, सारा यहूदियों का, यहूदियों के आला कार है, और अब क्या हैसियत है उसकी? यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तुम या हमारे साथी हो तो हमें सारी ये चीजें दो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे दुश्मन है, तुम हमारे दुश्मन हो। अल्लाह भी ये कहता है, तुम या मेरे हो तो हिजबुल्लाह में हो, हिजबुल्लाह में नहीं हो तो फिर हिजबुल शैतान है, अल्लाह अल्लाह का कर। इस हवाले से तो तीन बातें जब हो जाएंगी तब गोया के इबादत मुकम्मल हो। या बदूननी ला युश्रिकून बी शया, जब तक वो निजाम कायम नहीं होता शिर्क है। अगर वो निजाम नहीं है तो आपका दस्तूर अगर काफिराना है तो शिर्क है। अगर कोई बादशाह बनकर बैठा हुआ है मुतलक मुतलक के जो चाहू कानून बना दू, शिर्क हो गए। तो गोया के तौहीद भी मुकम्मल होगी कब? जबकि हुकूमत अल्लाह की हो जाए। अलहुक्म लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। अगर ये बात कब होगी? जब हम तुम्हें खिलाफत दे देंगे, तुम्हारे जमीन, तुम्हारे दीन को जमीन में तमक्कुन दे देंगे, और तुम्हारे ऊपर जो खौफ की फिजा तारी उसे खत्म कर देंगे। या बदूननी, फिर तुम हमारी इबादत करोगे जैसे कि इबादत करने का हक है, फिर तुम शिर्क से बचोगे जैसे कि शिर्क से बचने का हक है। अब ये जुमला भी क्यों कहा गया? जो इसके बाद भी कुफर करे जबकि इस्लाम का गलबा हो चुका है, फिर भी वो कुफर पर अड़ा हुआ है, वो तो निहायत नाहंजार आदमी है, उसके जो सीधी जानदम है। इसलिए कि चलिए बातिल के गलबे के अंदर आप अगर कहें मैं मजबूर हूं क्या करूं, आपको मालूम है जब हिजरत फट हो गई थी तब भी कुछ लोगों ने हिजरत नहीं की पक्के से, और उन्हें कुछ के लिए तो साफ कह दिया गया कि ये मुनाफिक है, इससे तुम्हारा कोई रास्ता नहीं होगा। मालकुम बिन वलायत मिन शाही हत्ता युहाजिर जब तक हिजरत ना करे। लेकिन ये कि बूढ़े ज़ईफ बीमार जो रास्ता नहीं जानते, औरतें सफर की कोई तजिया नहीं, उनको माफ कर दिया गया, उनका मामला और है। तो इसलिए
अगर तो कोई शख्स जो है मजबूरी की हालत के अंदर, क्योंकि गलबा उसका है और उसके अंदर आप सोचिए एक शख्स सारा दिन मेहनत शाख्ता करके, मेहनत शाख्ता 12-12 घंटे, आज के सरकारी मुलाजिम भी जो है उनमें से आप देखेंगे कि 8 घंटे अगर सरकार के मुलाजिम करते हैं तो कहीं शाम को कोई और जॉब करते हैं, तब कहीं जाकर बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है, और जो आम मजदूर है उनका जो हाल है, अब उनके लिए तो जाहिर बात है कोई और जिद्दोजहद करना मुमकिन नहीं। ऐसे लोगों का मामला तो अल्लाह ताला जो है वो माफ कर देगा, लेकिन ये कि जिन लोगों के लिए मुमकिन है और ना करे, फौलाएक हमुल फासिकून, जब दीन का गलबा भी हो गया अब भी वो दीन को के ऊपर आने को तैयार नहीं, अब वो इम्तहान तो नहीं रहा जो पहले था, पहले तो जब गलबा जो था कुफ्र और शिर्क का था तो ईमान लाने का मतलब क्या था, कांडों भरा बस्तर, आपको तकलीफें हर तरफ से आएंगी, आजमाइशें आएंगी, सताया जाएगा, मारा जाएगा, अब तो बात खत्म हो गई। बहरहाल ये कोई इस आयत को मैंने आज चाह की तरह, इसके जो आखिरी हिस्सा है उसको समझने में बड़ी कमी होती है लोगों की, इसका मुराद क्या है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब क्या हुआ कि अब खिलाफत जो है वो इज्तिमाई हो गई, लयस्तखलफन्नहुम फिल अर्ज, अब किसी को देखिए ये जो सफर दीन ने तय किया, दीन में पहले शख्सी खिलाफत थी, उसके बाद इज्तिमाई खिलाफत है मुसलमानों की, अहले ईमान की, शर्त किनकी है, अल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अमिलु सालिहात, ये दो शर्त, यही सफर तय करना पड़ा है बिल आखिर मुलुकियत को भी, बादशाह को, पहले बादशाह था हाकिम मुतलक, उसके बाद क्या हुआ, वो काम जो इस्लाम ने 1400 बरस कबल किया था वो काम आज से 300 बरस पहले यूरोप से शुरू हुआ, बादशाह का खात्मा, जमहूरियत का आगाज। लेकिन ये जमहूरियत क्या है, ये काफिराना और मुशरिकाना जमहूरियत है, जैसे मैंने कहा था इस्लामी बादशाह और काफिराना बादशाह, इस्लामी बादशाह दाऊद और सुलेमान और काफिराना बादशाह नमरूद और फिरौन, इसी तरह एक इस्लामी खिलाफत हो गई वह है मुसलमानों की खिलाफत, एक है इंसानी हाकमियत वह है काफिराना जमहूरियत, ये साफ बात हो गई। यूं समझे, मैं इसे इस तरह आम लोगों को समझाया करता हूं, ये फिरौन फर्ज कीजिए उसके सर पर टनों गंदगी रखी हुई है, गंदगी जो है टनों के हिसाब से उसके सर पर है, अब क्या किया, इसको एक एक तोला सब में बांट दो, सबको हाकिम बना दो, अब गोया के वो हाकिमियत इंसानी जो फिरौन के सर पर रखी हुई थी टनों निजात की शक्ल में, वो तोला तोला माशा माशा सबको बांट दी, तुम भी हाकिम वो भी हाकिम ये भी हाकिम वो भी हाकिम सब हाकिम, गोया के निजात तो निजात ही रहेगी, वो एक टन है तब भी निजात है, तोला भर है तब भी निजात है, निजात तो है। तो ये जो अवामी हाकिमियत का तस्वुर दुनिया में आया क्यों है, देखिए अल्लामा इकबाल की जो नज़म है इब्लीस की मजलिस शूरा, उसमें उसका एक मुशीर ये कहता है कि आप तो दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम आ गया, हमारी इब्लीसियत ये हो तो खत्म हो जाएगी, इब्लीसी निज़ाम कहाँ रह जाएगा, तो उसका एक और दूसरा मुशीर कहता है काम खत्म, तुम परेशान हो रहे हो, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, ये तो लिबास बदला है हमने, सिर्फ वही शाही है वही इंसानी हाकमियत है जो पहले एक शख्स की थी अब आवाम की हो गई, फर्क क्या पड़ा, शैतनत तो शैतनत है, कुफ्र तो कुफ्र है, शिर्क तो शिर्क है। लेकिन दूसरा मिसाल इस शेर का बहुत अहम है, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर, अब आदम में खुद शनासी पैदा हो गई, मैं हम भी तो है ना, ये जो बादशाह जो है ये कोई आसमान से उतरा है, क्या इसके जो है तो हजारों हाथ हैं हजारों पांव हैं, क्या है इसका, हम भी हमारे जैसे दो हाथ दो पांव वाला खुद शनास खुद निगर अपनी खुद निगरानी करने वाला आदम हो गया। सोचने की बात चाहिए आदम को किसने बनाया खुद शनास और खुद निगर, ये खुद शनासी खुद निगरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महकूमियत से निकालकर इंसान को आजादी देने वाला वो तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपको मालूम है।